बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करते क्या सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल और खुश आबाद रखे, आने वाले तमाम परेशानी मुश्किलात को दूर रखे। इसके साथ ही नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। नई वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा नया फैमिली ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बड़ा वक्त आप तक पहुँचता रहे। आज की वीडियो ये है कि आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल जो सर्दियों का मौसम में बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, खाते हैं घरों में, पंजीरी वगैरह बनाएंगे। जो बनाएंगे वो सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। मेरी नहीं होता तुम लोग अब चने को ब्रांड करने लगे हैं, तो सारी ब्रांड में वही चीज़ें आटे जैसे ठीक हो जाएगा। देखिए बिल्कुल फ्रेश है। ये देखें खशखाश है, इसे अच्छी तरह हमने साफ़ किया, बहुत ही अच्छी तरह धोया है इसे, इसके अंदर रेत बहुत ज़्यादा निकलती है। ये देखें बिल्कुल साफ़ है ये, ये देखें इसके अंदर कोई ज़रा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। तकरीबन इसे 3-4 दिन हमने धो के खुश्क किया, इसे धूप में रख के अब ये बिल्कुल रेडी है। तब हम बनाने लगे, इसके अंदर जो चीज़ें डालनी थी वो सारी ग्राइंड कर ली है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये 7 चने थे, वो ग्राइंड किए हुए सारे, और ये बादाम है, और चारों मग्स वगैरह जो सारे वो हमने ग्राइंड कर लिए सारे, और इसके अंदर जो चीज़ वो डालनी है वो ख़ास चीज़ ये होती है कि गूंद होती है। ये देखें इसे भी हमने ग्राइंड वगैरह कर लिया, हर चीज़ की हुई है बिल्कुल, ये हर चीज़ ग्राइंड और अच्छी तरह हमने साफ़ करके हर चीज़ बनाई है। तो अब इन चीज़ों को हम सब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीज़ें सारी मिक्स करने लगे हैं, ये गूंद है, ये देखिए ये चने ग्राइंड किए वो डाल दिए इसके अंदर, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये चारों मग्स वगैरह बादाम, ये ऐसी पंजीरी से इकट्ठी बनानी हो तो सारी इकट्ठी बना ले दूध में, जितनी भी खानी होनी तो इतना सा ले, जितनी आपने खानी है दूध में डाल के उतनी बना के पका के आप खा सकते हैं। हमने तो सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख ली हैं, तो जितनी खानी होगी हम उतनी दूध में डाल के अपनी बना के खा सकते हैं। लेकिन ये सर्दियों में ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, कि आप कहें कि ये बना के सारी इकट्ठी रख लें तो ख़राब भी हो सके, नहीं, ये सर्दियों में बिल्कुल चलेगी अच्छी, ये ख़राब नहीं होती। और जैसे हम बनाएंगे दूध में तो आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको ये चीज़ों को सारी को इकट्ठे मिक्स कर लें। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये चीज़ें खानी चाहिए। ये देखिए सारी चीज़ें होगी मिक्स, ये होगी बिल्कुल रेडी, और अब हम बनाएंगे इसे दूध में पकाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए बर्तन रख लिया, चूल्हा जला लिया, अब इसके अंदर दूध डालने लगे हैं। देखिए दूध गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म ऑन करेंगे तो इसके अंदर जितनी आपने चीज़ खानी है पंजीरी वगैरह उतना दूध देके उसके मुताबिक हिसाब से 2-3 चम्मच डाल के आप खाना चाहते हैं तो खा लें।
इकट्ठी बना कर रखनी, इकट्ठी बना लें। अब इसके अंदर इलायची डालने लगे, इलायची डाल दी है और साथ ही इसके अंदर चीनी मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। देखें दूध भी गर्म हो रहा है और साथ चीनी भी अच्छी तरह गर्म, दूध में चीनी मिक्स हो जाती है। हाँ जी बेटा, दूध गर्म हो रहा है, ये देखें दूध बिल्कुल गर्म हो गया है, उबाले आ रहे हैं इसके ऊपर। तो अब इसके अंदर ये पंजीरी वगैरह जो बनाई थी सूजी सारी इसके अंदर डाल दी है। पापा जी बेटा, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर डलियाँ वगैरह या कुछ चीज़ ऐसी ना रह जाए, और इसे अच्छी तरह पका लेंगे, खुश कर लेंगे इसे थोड़ा सा। इसे हल्की आंच में अब पकने देंगे। ये देखें पकना शुरू हो गई है, अब थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। ये देखें बिल्कुल पकी है, अब उतार लिया इसे चूल्हे से, तो बिल्कुल ही अभी गर्म बहुत ज़्यादा है, भाप नहीं करी है अब देखें। तो अब इसे टेस्ट करते हैं ये कैसी बनी है, चेक करते हैं। खुशबू और जायका तो बहुत अच्छा बता रहा है इसका। बच्चों को भी देते हैं, खाते हैं। की वीडियो ये थी कि आज हमने बनाई थी पंजीरी वगैरह जो बनाई आपको दिखाई। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं, नए दिन के साथ नई वीडियो का आगाज़ करेंगे। अब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।